चंद्र की, लगन लाल की, माता जानकी की, बोलो प्रयागराज की पावन धरती की। प्रयागराज की पावन धरती महेवा नगरी में आज ईसीआई में माँ आदिशक्ति दुर्गा रानी का स्थान बना हुआ है। मैं सभी श्रद्धालुओं और माताओं बहनों का, व्यापारियों का, शासन प्रशासन और मीडिया साथियों का तहे दिल से हार्दिक हुआ वंदन करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। भंडारे को लाइन में लग करके प्रसाद ग्रहण करते हुए सभी लोग प्रसाद को ग्रहण करें और सभी का स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करें और एक बार प्रेम से जयकारा लगाएं। बोलो दुर्गा मैया की, बोल सच्चे दरबार की, बोल जगत जननी मैया की, बोल हनुमंत लाल की, बोल श्री भैरव बाबा महाराज की, बोल शनि देवता की, बोल बजरंग वाली की, बोल महिला शक्तियों की, बोल नव देवी दुर्गा की, बोल कालिका मैया की, बोल शीतला मैया की, बोल सच्चे दरबार की। मार्गदर्शक के रूप में हमारे पूर्व प्रधान जी श्री ब्रजेश कुमार भारतीय जी, जो महेवा पूर्व प्रधान के रूप में कार्यकाल रहा और जो भी धार्मिक कार्य हम सब लोग नवयुवक पीढ़ी करती है, आप ही के मार्गदर्शन में हम लोगों को हमेशा हर अच्छे काम के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। और दुर्गा मंदिर का भव्य निर्माण जब चाहेंगी तो होगा, इसके पहले हम लोगों की कमेटी बनेगी और इस कार्यक्रम में हमारे मिशन फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर के राठौर जी हैं और इनका भी भव्य कार्यक्रम 16 मई को है। जो भी धार्मिक कार्य होते हैं वो सब एक दूसरे को इकट्ठा होने के लिए, जो भी आयोजन भंडारे का है, जो भी सामूहिक आयोजन होते हैं, धार्मिक कार्य होते हैं, उन सबको एक रूप में हमको इकट्ठा होना होता है। इसी बहाने सभी लोग इकट्ठे होते हैं, सबसे परिचय होता है, एक दूसरे का सुख दुख जाना जाता है। ये धार्मिक आयोजन इसीलिए समय समय पर होते रहते हैं। नवरात्रि के पावन पर्व पर ये भंडारे का आयोजन हुआ और हम सबके मार्गदर्शन के रूप में श्री ब्रजेश कुमार भारतीय जी जो है हम लोग इन्हीं के मार्गदर्शन में जो भी कार्य करते हैं धार्मिक सामाजिक, वो सब चलता है, आगे भी चलता रहेगा। और मैं विनोद कुमार द्विवेदी, तहसील करसना में अधिवक्ता और भारतीय जनता पार्टी की सेक्टर संयोजक के रूप में कार्य देख रहा हूँ यहाँ का। भंडारा जो हो रहा है उसके बारे में क्या बताना? यहाँ पर बहुत प्राचीन मंदिर है माँ दुर्गा का और इस चौराहे का नाम भी ईसीआई चौराहे के बाद में फिर माँ दुर्गा दुर्गा नगर के नाम से कॉलोनी पीछे बसी हुई है और कई वर्षों से पहले हम लोग इसकी बागडोर संभालते थे, लेकिन अब युवा पीढ़ी को सौंप दिया गया, सब लोग मिलकर के कार्यक्रम को सफल कराते हैं। और प्रत्येक वर्ष 2-3 साल कोरोना की वजह से बंद था, इस बार फिर भव्य रूप से सभी के सहयोग से ये आयोजन चल रहा है, जिसमें हम सभी लोग भागीदारी करते हैं। ब्रजेश कुमार भारतीय, पूर्व प्रधान में है। जय माता दी, जय माता दी, जय जाओ।
भंडारे का माँ भगवती जागरण का प्रोग्राम रखा गया भंडारे के तौर पे, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे और आम जनता को क्या जागरूक करेंगे? माँ भगवती का विशाल भंडारा पिछले कई सालों से हमारी महिवा के व्यापारियों के द्वारा मनाया जाता है और क्षेत्र में ये चर्चा का विषय भी होता है। और वैश्विक महामारी कोरोना के काल के चलते 2 साल भंडारा नहीं हो सका, तो कई जगह से भक्तों की अरदास आई कि भंडारा नहीं हो रहा यहाँ, तो उसी सिलसिले में हमने अपनी टीम से बात किया, प्रदीप जी से, तारजन जी से, प्रदीप टेंट हाउस से, भाई राठौर जी से, अरविंद भैया से, अशोक भैया से, जो भी है महेश जी से, सभी से संपर्क करके इस भंडारे का आयोजन का प्रारूप तैयार किया गया और आप सबके समक्ष है कि माँ भगवती का विशाल भंडारा उनकी कृपा से, उनके आशीर्वाद से पूरी तरह से संपन्न हो रहा है। और दूर दराज से लोग जो गरीब हैं, ट्राली वाले, रिक्शे वाले, राह चलते लोग माँ भगवती का प्रसाद पाके एक उनके चेहरे पर एक तेज की अनुभूति हुई। बस इसी आशा के साथ हम लोग माँ भगवती का भंडारा करते हैं। नवरात्रि प्रारंभ प्रथम दिन से लेकर 9 दिन पूजन का कार्यक्रम होता है, कन्या खिलाई जाती है, उसके बाद भंडारे का आयोजन का यह नियम बना है और प्रतिवर्ष यह होता रहे, माँ भगवती की आस कामना रहेगी तो हर वर्ष होता रहेगा। दिनेश यादव, महेवा, एक समाज सेवी हूँ और ऐसे ही समाज के प्रति हमेशा कार्य करता रहता हूँ। भंडारा क्या उद्देश्य? भंडारे का उद्देश्य सबसे पहले तो मैं अपने परम मित्रों, मीडिया साथियों को हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ जो आज इस भंडारे के कार्यक्रम में आकर के और यहीं शासन प्रशासन भी आकर के अपने कर्तव्यों का निष्ठापूर्वक पालन कर रही है। वहीं दूर दराज से श्रद्धालु जन आए हैं, महिला शक्तियां आई हैं। भंडारे का जो आयोजन है, भंडारे का आयोजन क्यों होता है, उसका कारण क्या है? नवरात्रि के पावन पर्व में सार संपूर्ण भारत में महिला शक्तियां कलश को रख करके 9 दिन अखंड निर्जला व्रत धारण करती हैं, ज्योति जलाती हैं, सिंदूर, कुमकुम, अच्छत, चावल, हल्दी और लहंगा, सारा मुकुट पहना करके उन कन्या को पूजन करते हुए महानवमी के दिन इस पूजन को किया जाता है, कन्या पूजन। अब कन्या पूजन के बाद भंडारा किया जाता है, भंडारे में आयोजन किया जाता है। तो सारे भंडारों में माननीय हमारे बीच श्री दिनेश यादव जी ने भंडारे का आयोजन किया, उनके सहयोगी साथियों ने आयोजन किया और सभी श्रद्धालुओं ने मिलकर के इस भंडारे का आयोजन करते हुए आज इस कार्यक्रम को रखा और सारे श्रद्धालु, माताएं, बहनें, शासन प्रशासन, मीडिया साथी लोग आकर के इस भंडारे के प्रसाद को ग्रहण करते हुए अपने जीवन को धन बनाने का कार्य किया है। मैं आर के राठौर, मिशन इंफॉर्मेशन का राष्ट्रीय अध्यक्ष, इस कार्यक्रम में मौजूद होकर के अपना सहयोग प्रदान कर रहा हूँ। सभी को तहे दिल से स्वागत व हार्दिक अभिनंदन करते हुए प्रणाम करता हूँ।